जय श्री राम से परेशान ममता बनर्जी ने अचानक थर्म कार्ड खेल दिया। बीच सभा में आज उन्होंने जो किया उसे देखकर पूरा बंगाल हैरान है। आज इस खबर को आपको देखना भी चाहिए और भारी संख्या में शेयर करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हमेशा राम नाम से दूर ममता बनर्जी अब हिंदू धर्म में रंगती नजर आ रही है। पूरे 5 साल दुर्गा पूजा से नफरत करने वाली ममता आखिरकार अब बदल चुकी है, क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव क्या कुछ नहीं करते, यकीन नहीं है तो ये तस्वीरें देख लीजिए। पहली और दूसरी तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। सबसे पहले तो वो तस्वीर देखिए जो बता रही है कैसे ममता को जय श्री राम से इतनी नफरत हो गई थी कि मोदी के मंच पर ही उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया था। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन अब ममता बदल चुकी है। इस बार मुकाबला जबरदस्त प्रत्याशी से जो है, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में मानो संग्राम छिड़ा, इसीलिए भावुक अपील करना नहीं भूली ममता दीदी, और इस बार खेल दिया धर्म कार्ड, सुना दिया चंडी पाठ। आमी एक चंडी पाठ करी। ओं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री बरदे नम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बरदे नम रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि युगे देवी सर्वसौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। आगे आप समझ सकते हैं कि कभी मोहर्रम के लिए तो सड़कें खोल देती थी, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए सड़कों पर ताले लग जाते थे, और अब कहती हैं कि घर से निकलती हूं तो दुर्गा का पाठ करके। अब तो चंडी पाठ भी पूरे मन से जबरदस्त तरीके से बोल दिया था। लेकिन जय श्री राम का नारा क्या वाकई डरा रहा है ममता को? आपको हैरानी होगी कि ममता दीदी इस बार मैनिफेस्टो भी शिवरात्रि वाले दिन ही जारी करेगी, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए जरा, कारण 11 शिव चतुर्दशी আছে, আমি একটু পূজো দিয়ে তারপরে এখান থেকে কলকাতা রওনা হব, কারণ ওই দিন শিব চতুর্দশীর দিন আমাদের ম্যানিফেস্টো প্রচার আছে, ম্যানিফেস্টোটা আমাদের ওই দিন বেরোবে। তো দেখা, उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। इस दौरान उन्होंने शिवरात्रि पर पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने का ऐलान किया। आप समझ सकते हैं कि ममता दीदी की तैयारी पूरी है। शिवरात्रि इस बार याद आ गई, पता नहीं होगा क्या, भगवान शिव का किसको आशीर्वाद मिलेगा, भगवान राम का किसको मिलेगा, या मां चंडी का और दुर्गा का किसको। नजर बनी रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जय श्री राम के नारों से ममता दीदी को दिक्कत तो है। जब योगी आए थे तो जोर शोर से नारा था, जरा सुनिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब पता नहीं आखिरकार चुनाव में नारों के बीच होगा क्या, वोटर जाएगा कहां और जीतेगा कौन, तस्वीर किसकी उभर कर सामने आएगी। लगातार नजरें बनी रहेंगी, पल पल की अपडेट बंगाल चुनाव से जुड़ी आपको देते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दों की बात मुद्दों के साथ यही होगी। नमस्कार।